क्या क्या बना? राजमा दाल नॉनवेज भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ देवता जी कहाँ पे, ये गांव में जो आपको सामने गांव दिख रहा है ना, यहाँ पे अभी देवता जी है। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई सीजन तरुण ब्लॉग। तो कैसी है आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो पिछले कल मैं आ गई हूँ मम्मी के घर और आप सोच रहे होंगे कि अभी तो गई थी, अभी फिर से आ गई। तो इस बार मैं ऐसे नहीं आई हूँ, इस बार यहाँ पे छोटा सा फंक्शन है, बड़ी मम्मी के घर पे फंक्शन है। तो किस चीज़ का फंक्शन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर। तो शिवा भी साथ है, तरुण भी और आजू दीदी भी हमारे साथ है जो कि मेरी कज़न है। तो गाइज अभी मुझे थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा रास्ता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेंजरस सा रास्ता है, फिसलने वाला। तो अब सीधा मिलती हूँ मैं आपको बड़ी मम्मी के घर पे। तो गाइज अभी हम लोग बड़ी मम्मी के घर पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे आज आ रहे हैं देवता पल्थान जी, तो इसलिए यहाँ पे छोटा सा फंक्शन है और अभी वो नहीं आए हैं, अभी वो गांव में है देवता जी। तो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हो रही है उतने में मैं आपको वो सब दिखाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ देवता जी कहाँ पे, ये गांव में जो आपको सामने गांव दिख रहा है ना, यहाँ पे अभी देवता जी है और बस थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और उतने में आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, चहल पहल और क्या क्या बन रहा है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो जी, बच्चा पार्टी भी आ गई है। पारस क्या क्या बन रहा आज खाने में, क्या क्या बन रहा है? क्या क्या? बहुत कुछ, जैसे कि तो यहाँ देखो जी नीचे खाने की तैयारियाँ हो रही है। यहाँ पे बन रहा है नॉन वेज, बन रहा है यहाँ पे आई थिंक, जो मुझे दिख रहा है यहाँ से नॉन वेज नहीं, अच्छा राजमा भी बन रहे हैं वहाँ पे। छोले है कि राजमा है? ये छोले भी है। तो यहाँ पे बन रहा है जी खाना और बाकी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। गाइज यहाँ पे देखो लेडीज लोग यहाँ पे बना रही है चपातियाँ शाम के लिए। और कितनी बनाई आप लोगों ने? अभी ये देखो जी, और कितनी बनानी है? सारा बनाना है, जो ये थोड़ा सा आटा है। ये देखो जी कितनी खाएंगे लोग। और क्या क्या है वैसे खाने में बताओ? क्या क्या बना? राजमा दाल नॉनवेज भी है। तो ये देखो जी लेडीज लोग शाम की तैयारी में लग गई है और अब वैसे बहुत बना दी इन्होंने अभी तक बहुत। तो गाइस देवता जी अभी आ गए हैं, रास्ते में हैं और सब लोग उनके स्वागत में खड़े हैं यहाँ पे। और टाइम अभी मैं बताऊँ आपको, टाइम हो गया 8 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो वो दिन को आने वाले थे 3-4 बजे के करीब, लेकिन आते आते थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। गाइस अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो 8 बज गए पूरे 8, तो अंधेरा भी आप देख सकते हो, अंधेरा हो गया। तो सब लोग उनके स्वागत तो अभी दिखाती हूँ आपको देवता जी जब आएंगे। Thank you.
वेलकम बैक टू माई अनदर डे। तो अभी हम बड़ी मम्मी के घर से आ गए, बड़ी मुश्किल से पहुंच गए घर में गाइस, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता था और इतनी गर्मी, आजकल पसीना पसीना हो गया सारा और बहुत मुश्किल से अभी हम लोग घर पे पहुंचे मम्मी के घर पे। तो अभी थोड़ी देर तो रेस्ट करना है गाइस, क्योंकि आज इतना थक गए आते आते इतनी गर्मी में। आपको पता ही आजकल बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इतनी चिपचिपी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ मैं। अब सबसे पहले तो अभी ठंडा ठंडा पानी पीना है और अभी हम बाहर ही बैठे हैं। हाँ जी, उठो उठो शिवा, बोला उठो, चलो चलो ठीक है ठीक है। तो हम लोग निकल पड़े घर की ओर और यहाँ देखो जी नमूने जालियाँ लगा रखी है बंदरों के लिए, पर इस बार ये देखो पहले जालियाँ पूरा इंतज़ाम किया है, पर इस बार इसमें बंदर आए नहीं है, तो ये इंतज़ाम उसका वेस्ट ही गया है इस बार आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मतलब बाकी टाइम पे बंदरों की चौकीदारी इतनी करनी पड़ती थी ना कि एक आदमी को तो बगीचे में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि ये बगीचा भी आप देख सकते हो जंगल के नज़दीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौकीदारी बंदरों की करनी पड़ती है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार बंदर तो नहीं थे लेकिन तोते बहुत थे। तोते अभी तक आ रहे हैं, बस हल्का सा मौसम ख़राब हुआ नहीं तोते आए हैं। और शाम बहुत हो गया भाई, 6:30 का टाइम हो गया है, अंधेरा होने को आ गया इस बार, मतलब अब दिन थोड़े से छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले 7:45 में अंधेरा होता था, अब 7:15-7:30 के अराउंड अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। और ये लोग भी आप भी मेरा वेट कर रहे हैं, ब्रुजो भी भाई चला है सबसे आगे, ब्रुजो है हमेशा ऐसा होता है ना, हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं और तरंग आने में टाइम लग ही जाता है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा लेट है और तरुण पहले पहुंच गया है। तो गर्मी इतनी हो गई ना, पसीना ही पसीना हो गया सारे फेस में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और सारे साथ। तो आज की इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।